हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। डॉक्टर रूमा देवी ने हस्तशिल्प दस्तकारों को सिलाई मशीन उपलब्ध करवाने की रखी मांग। जिले की 3000 महिला दस्तकारों को मिलेगा लाभ। बाड़मेर हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद के उत्तर भाग मेंटर ग्रुप सदस्य एवं ग्रामीण विकास एवं चेतना संस्थान अध्यक्ष डॉक्टर रूमा देवी ने हस्तशिल्प प्रशिक्षण प्राप्त जिले की 3000 बहनों को सिलाई मशीन उपलब्ध करवाने के संबंध में वस्त्र मंत्रालय के सचिव उपेंद्र प्रसाद सिंह से उद्योग भवन नई दिल्ली में वार्ता करके टूल किट की आवश्यकता की मांग उनके समक्ष रखी। डॉक्टर रूमा देवी ने बताया कि कार्यालय हस्तशिल्प विकास आयुक्त द्वारा हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद के सहयोग से प्रशिक्षण प्राप्त जिले की आर्टिजन बहनों को सिलाई मशीनें टूल किट कोरोना काल से पहले उपलब्ध होने थे, जो अभी नहीं हुए हैं। यदि सिलाई मशीन वितरण हो जाए तो दस्तकार बहनें शिल्प कार्य के साथ साथ अतिरिक्त आमदनी भी प्राप्त कर पाएंगी। सचिव उपेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा तत्काल प्रभाव से कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर हस्तशिल्प विकास आयुक्त शांत मनु एवं ईपीसीएच के जनरल डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कुमार के साथ चर्चा कर प्रशिक्षण प्राप्त महिला दस्तकारों को आगामी दिनों में टूल किट एवं सिलाई मशीन उपलब्ध करवाने के संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। संस्थान सचिव विक्रम सिंह ने बताया कि इससे पहले रूमा देवी द्वारा एप्लिक वर्क के प्रशिक्षण में सिलाई मशीन टूल किट का प्रावधान नहीं था, जिसके लिए प्रयास करके उनके द्वारा सिलाई मशीन को प्रशिक्षण में साथ टूल किट के तौर पर जुड़वाया गया। इस दौरान रूमा देवी द्वारा वस्त्र मंत्रालय सचिव को दस्तकार बहनों के हाथों बने बाड़मेर अजरक प्रिंट एवं एप्लिक पेच वर्क के वॉल हैंगिंग को प्रदान कर अभिनंदन किया गया। जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकराराम मेघावल की रिपोर्ट।